एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि आज मैं पूरा यकीन था मुझे कि आज ये रिपोर्ट डी सी होगी उसके बाद बच्ची को हमारे हवाले किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि चूँकि जज साहब के अगेंस्ट एक अपील उन्होंने की हुई है, तो जज साहब ने ये मुनासिब समझा कि पहले 28 को उसका डिसीजन हो जाए और उसके बाद वो इस केस को देखेंगे कि क्या उसके डिसीजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 को या डेट तो 5 है, लेकिन एज अर्लीस्ट 28 के बाद हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या होगा। हमने तो कोर्ट के साथ सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि लर्नेड ऑनरेबल कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया था कि अगर कोई स्टे ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर नहीं आता तो कोर्ट प्रोसीड करेगी विद द केस, मगर अब कोर्ट का व्यू ये है कि सिंस द एप्लीकेशन इज पेंडिंग और 28 तारीख तक हेयरिंग एक्सपेक्टेड है, तो उससे पहले हम प्रोसीड केस के साथ नहीं करेंगे और इसमें 5 तारीख की डेट जो है लर्नेड ट्रायल कोर्ट में दी है, वेयर इन हमारी एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में पेंडिंग है सर्टिफाइड की, जिसमें जो शेल्टर होम से एक रिपोर्ट आई थी वो इनवेलप ओपन करना था, तो वो एप्लीकेशन भी पेंडिंग है और ऐसे कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं है। अब देखते हैं कि 28 तारीख को क्या फेट होती है उस एप्लीकेशन की। अपेरेंटली हमारे हिसाब से वो एप्लीकेशन मैंडेटेबल नहीं है, मगर इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द लर्नेड डीजे साहब और वहाँ पे हम स्ट्रांगली कंटेस्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को। फिर व्हाट एवर द फेट ऑफ दैट एप्लीकेशन इज, नीचे वाली कोर्ट को हम इंटीमेट करेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा।